और अंजलि सवाल भी इसी बात को लेकर है, अलग अलग धर्म भारत की सबसे बड़ी पहचान है, धर्म निरपेक्ष भारत है, और यहाँ अगर कुछ चीजों को रिवाज के नाम पर फॉलो किया जाता है तो अपनी सोच जाहिर करते हुए मानवी ये क्यों कहना है कि ये इंडिविजुअल चॉइस होने के नाते आप ये डर क्यों कह रहे हैं? वो कह रही है, रत्ना पाठक ये कह रही है कि क्योंकि विधवाओं की स्थिति ऐसी है इसलिए महिलाओं में ये डर है कि कहीं वो विधवा ना हो जाए, इसी डर से वो व्रत रखती हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जस्टिफाई होता है ये जो उन्होंने बोला है, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके पति को सच्ची में लंबी उम्र मिलेगी, ऐसा आप मानते हैं? आप मुझे ये बताइए, कंजर्वेटिव सोच ही तो है कि अगर हम व्रत रखेंगे तो हमारे पति की आयु जो है वो लंबी होगी, तो उन आई बैक टू कंजर्वेटिव सोच ये नहीं है कि हमारे पति की आयु बढ़ेगी, जो हम लोगों के लिए सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे अपनी जान में लेते हैं, सॉरी उनकी पत्नियां नहीं रखती व्रत, उनकी कंजर्वेटिव सोच पिछड़ी सोच ये नहीं है कि हमारे पतियों की आयु बढ़ेगी, जी नहीं, ये हमारे संस्कार की बात पिछड़ी सोच ये है कि आप दूसरे इंसान का व्रत रखने का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द फैक्ट कि रिलीजियस वैल्यूज को क्यों आप क्वेश्चन कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये पिछड़ी सोच है। मॉडर्न ये बात नहीं है कि ओ माय गॉड हमने व्रत रखा या नहीं रखा, मॉडर्न ये बात है कि कैन बी रिस्पेक्ट कि तुम भी ये रख सकते हो और हम भी रोजे रख सकते हैं। अच्छा मानवी, ये जो आपने भी लॉजिक दिया है, आपने ये लॉजिक दिया है कि करवा चौथ का व्रत रखने से क्या कोई गारंटी है कि पति की उम्र लंबी हो जाएगी, फिर तो हम भगवान ईश्वर अल्लाह पे भरोसा भी नहीं कर सकते। हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान में सब ये कहते हैं कि पाप धुलते हैं और गंगा पवित्र नदी है, तो इसका मतलब तो आप एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ना, हर चीज पर प्रश्न चिन्ह हो रहा है। नहीं क्यों, और गंगा स्नान से चलिए साइंस क्या कहता है, कंचन जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, मानी बताइए प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, आप वोट किसी को नहीं कर सकते, व्रत रखने के लिए वोट कोई किसी को नहीं कर रहा है, यहां पर इतनी महिलाएं बैठी हैं, पूछी क्या करवा चौथ का व्रत कोई भी सवाल वही है, सवाल वही है, रिवाज के नाम पर चीजें यहाँ थोपी नहीं जा रही, इंडिपेंडेंट है यार, इंडिपेंडेंट है। आप अगर हमें कंजर्वेटिव कहते हैं, नहीं नहीं मैं इस बात को इसलिए भी अंजलि कहना चाहूंगी, अगर हम कंजर्वेटिव होने की बात करते हैं तो फिर तो इंटरकास्ट मैरिज को भी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए थी। मैम मैं बात को अलग एंगल पे नहीं लेके जाना चाहती, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज भी एक्सेप्टेंस अगर होती है तो उसमें कौन किसको किस कल्चर को कितना अडॉप्ट करता है, ये इंडिविजुअल चॉइस भी होती है, लेकिन आपके सवाल का जवाब अब कंचन जी यहाँ पर देना चाहती है। मैम इस बात का जवाब दीजिए, क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है करवा चौथ के व्रत का? चंद्रमा मासिक का प्रतीक है, चंद्रमा आप मानते हैं, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है इमोशन से जुड़ा हुआ चंद्रमा है, ठीक है, जब पत्नी पति के लिए व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ देती है, किसका अर्घ देती है, दूध का, दूध और जल मिला के अर्घ देती है, तो डायरेक्ट हमारे इमोशन को इफेक्ट करता है, दोनों का प्रेम और भाव को जुड़ाने का प्रतीक है चंद्रमा। आज चंद्रमा को देख के ईद भी तो मनाई जाती है, क्यों? एक बहुत बड़ा साइंस लॉजिक है इसमें, ये तो ठीक है, आदि काल से ये तो ठीक है, आप उनके बयान सुन रहे हैं, पूरे इंटरव्यू में उन्होंने धर्म गुरुओं पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा है कि धर्म गुरुओं को फॉलो कर रही है हमारी जनरेशन, कोई भी कहीं से निकल के आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है, आप चारों की बात हमने सुनी, मैम आप एडवोकेट है, मैम एक मिनट, आप एडवोकेट है रचना मैम, ऋषि मुनियों की वजह से आज साइंस आगे है, अगर ऋषि मुनि आज नहीं होते तो आप विमान पुष्पक विमान किसने बनाया था, आप बता, ठीक है ठीक है, लेकिन रचना मैम, रचना मैम एक मिनट, मैं आप चारों को रोकूंगी, ऋषि मुनि एक मिनट, आप पढ़ी लिखी नहीं है, पहले इतिहास पढ़ के आओ, मैम 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 प्लीज, वो मॉडर्न भी ऋषि मुनि के बोलने के बाद मैम कैसी बातें कर रही है, अगर यहाँ पर प्लीज रचना जी इशू को ड्राइव ना करें, लेकिन रचना जी मैं चाहूंगी आप इस बात को लेकर भी मुझे अपनी राय रखें, आप एक एडवोकेट है, अगर पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर, अगर एक पढ़ी लिखी महिलाओं के ऊपर रत्ना ये टिप्पणी करती है, मैम रुकिए, मैम प्लीज रुकिए 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 एक मिनट, तरीके से बात रखेंगे मैम, कंचन जी पूरी बात सुनिए आपकी, एक मिनट रुकिए कंचन जी, समय दीजिए ना, पिक्चर देखना बंद कर दे, नहीं 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 ये सब नहीं, ये सब नहीं, प्लीज मामले को ड्रैग भी ना करें, लेकिन रचना मैम पिक्चर तो आप ही खराब है, अभी आपने पीके के लिए बोला, अरे हम जा रहे हैं, अरे बात प्लीज करें, हम जा रहे हैं, उस पे बात करें, रचना नहीं 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 प्लीज, डोंट ड्रैग दी इशू, डोंट ड्रैग दी इशू, प्लीज मामले को ड्रैग ना दे, ऐसे मत करिए कंचन जी,
जी कंचन जी, कंचन जी प्लीज मामले को अलग अलग तर्क पे ना जोड़े, यहाँ बात सिर्फ उस आधार पर हो रही है। मैम रोकना चाहिए कंचन जी, सवाल उठाना वाजिब नहीं है, तरीका होता है अपनी बात का विचार रखना। मैम एक बात कही यहाँ पर कि फोर्स नहीं कर सकते, मैं एक बात कहूंगी छोटी सी कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं कॉमन महिलाओं से एक बार पूछ कर देखिए क्या इनमें से एक भी ये कह सकती है कि हमें व्रत रखने के लिए। एक सेकेंड मानवी देखिए मामले पर सिर्फ एक विचार अपने तरीके से रखे गए हैं उसको लेकर है अंजलि, उस पर भी हम सवाल करेंगे, लेकिन मैम आप एक एडवोकेट हैं। रचना जी यहाँ वो ये कह रही हैं पढ़ी लिखी महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए, ये कहते हुए कि भारत की धार्मिक परंपरा क्या अब सऊदी से, हमारी जो सोच है हम अगर कंजर्वेटिव बनते जा रहे हैं सऊदी से तुलना कर रही है, उस सऊदी से जहां पर हम देख रहे हैं हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर परमिशन मिली है, उस सऊदी से चर्चा करने की बात कर रहे हैं जहां हाल ही में महिलाओं को यह अधिकार मिला है कि आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकती है बिना मेल परमिशन के, ये कैसे वैलिड है? नहीं क्वेश्चन आपका ये है कि उन्होंने सऊदी से जो कंपेयर क्यों किया? नहीं कंपैरिजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं आपको लगता है भारत में लोग महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि सऊदी अरब वाले हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सस्ती पब्लिक भारत की जो मैं एक मिनट अपनी बात उन पर करने दीजिए कंचन जी रुकिए हाँ बताइए अपनी बात पूरी करिए, आपकी बात पूरी करिएगा आप। आपने ये जरूर कह दिया है कि सऊदी अरब जैसा बोलना शुरू कर रही हूं, वाकई में सऊदी अरब जैसा हाल नहीं है, तभी रत्ना शाह खुले मंच पे इस तरीके से बयान दे रही है इस्लामिक देशों की महिलाओं से अगर वो कंपैरिजन करती हैं तो जरा वो देखे कि वो कितनी आजाद है, और आजाद है तभी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अंजलि एक मिनट बात पूरी कर ले, मैं आपके पास कुछ सवाल है जो कि रत्ना शाह के बयान के बाद से उठे वो जल्दी से हम बता देते। देखिए इन्फॉर्मेशन वॉल पर वो सारे सवाल हम रखेंगे और उसके बाद आप ही ये तय करिए कि आखिर रत्ना पाठक के इस बयान को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। पहला सवाल ये, क्या धर्म या परंपरा के नाम पर रिवाज थोपे जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या बाकी धर्मों की परंपरा पर सवाल करेगी रत्ना पाठक, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुरभि करवा चौथ को लेकर के यहाँ पे बयान दिया है। हालांकि हम रिवाजों की जहां पर बात कर रहे हैं, धर्म कोई भी हो, भारत में धर्म से जो अलग अलग पहचान बनी हुई है उसी आधार पर कई रिवाजों को फॉलो किया जाता है। रोजे का भी थोड़ी देर पहले आपने यहां पर जिक्र किया, हालांकि अपनी राय रखते हुए जजमेंटल होना कितना सही है, आप अपनी बात रखिए अपने विचार रखिए, लेकिन उन विचारों के आधार पर आप दूसरे पर सवाल या निशान खड़ा मत करिए। भारत में कंजर्वेटिव सोच है, तो सवाल यही था अंजलि इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं तो ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि क्या आप उनके धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, किस आधार पर किस लेवल तक फॉलो सकते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। और भारत की धार्मिक परंपराओं के सऊदी से जोड़ना कितना जायज है, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप अगर यहां पर सवाल उठाती हैं अपने विचार रखते हुए किसी के धर्म के रिवाज पर, तो उसके लिए आपको तुलना भारत की महिलाओं की सऊदी के हालात से क्यों कर रहा है? तुलना करनी है तो एप्पल्स टू एप्पल्स कीजिए ना, ऐसी चीज की तुलना ना कीजिए जो की ही नहीं जा सकती। पहली बात, हम सऊदी अरब की तरफ नहीं जा रहे हैं, वहां के अगर आप हालात देखें जाने समझे वहां पे हर चीज पे समाज और सरकार दोनों ही आप पे पाबंदी लगाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड रही बात हमारी जो आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, ठीक है मानते हैं रिवाज है कल्चर है, बट अगर आपको नहीं व्रत रखना तो आप नहीं रखते हो। ये तो आपकी चॉइस है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, योर ओनली चॉइस, इसमें कोई प्रेशराइज नहीं करता। मेरी बहन है, शी इज कनाडा में है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक व्रत नहीं रखा होगा, खुद कमाती है खुद सब कुछ करती है, लेकिन पहली बार उसने ही नहीं सिर्फ व्रत रखा करवा चौथ का, उसके पति ने भी रखा। अब अंजलि यही तो ट्रेडिशंस में एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, हमारा ट्रेडिशंस में एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है।